सभी महिलाएं अपने अपने स्थान से बैठ जाए। देखिए मैं बता दूं आपको, सभी महिलाएं अपने अपने स्थान पे बैठ जाए। जिनकी जो भी समस्या होगी वे आप नाजिया जी के पास या गुड़िया अंसारी के पास नोट करा दीजिएगा, और जो भी समस्या आपकी होगी हम लोग ऊपर संबंधित अधिकारियों को उसको प्रेषित करेंगे। ठीक है, अब मैं चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर राशन कार्ड नवंबर में बन जाता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो मैंने छाबड़ा जी से कहा कि नौबस्ता हंसपुरम आस पास कम से कम दो तीन कैंप लगा दे और बहनों के राशन कार्ड ले ले, फार्म भरवा ले, और हम लोग प्रयास करके उस कार्य को भी पूरा करें, ऐसी भी हम लोगों की योजना है। तो हम इसको यहाँ से ऊपर देंगे, निश्चित रूप से हमारी बहनों को वो सब लाभ मिलने वाला है। आज ये विशुद्ध रूप से अल्पसंख्यक मोर्चे द्वारा एक तीन तलाक के ऊपर एक आधारित कार्यक्रम है। और परिवर्तन जा जाओ मेरे ये यहाँ आए थे भैया, कैंप लगा हुआ है, शायद मेरी समस्याओं का समाधान हो ये सोच के आए। हमें तो नहीं लगता कोई समस्या का समाधान हो पाएगा, क्योंकि दुनिया भर में घूम चुके हैं, मुस्लिम महिलाओं के लिए कुछ नहीं हो रहा है यहाँ न यहाँ। क्या जो भी सरकार आई है, कोई सरकार कोई काम नहीं। जो शिक्षित महिला है वो बताए कुछ कर नहीं सकती, ना तो उनको नौकरी मिलती है, वो अपना कहीं भी राशन कार्ड भी बनवाना होता भागा करती दौड़ा करती है। यहाँ तो ये कहा था कि पता है आप लोग की समस्याओं को सुना जाएगा, उसका हल निकाला जाएगा। अब निकाला कब जाएगा ये कुछ नहीं पता। अभी तो हमें कुछ नहीं, कोई नहीं समस्या, सब दौड़ती भागती नजर आ रही, कुछ नहीं समस्या सुनी जा रही है। वो होएगा भी नहीं, जो आधार कार्ड ये सब लिया जा रहा है, मुझे नहीं लगता ये सिर्फ पब्लिक को इकट्ठा करने के लिए ये सब योजनाएं दिखाई जा रही, कुछ नहीं होना है। हम लोग परेशान हैं, परेशानी कभी देखी जाती है, हल करी जाती है, तो हम लोग कर रहे हैं। आ गए देखने के, देखे क्या कह रहे हैं, हम भी उनकी बातें सुन ले रहे हैं, लेकिन कार्यक्रम हो रही है। अरे भाई यहाँ गुड़िया अंसारी के द्वारा हो रहा है, लेकिन होना जाना कुछ नहीं, क्योंकि हम लोग शिक्षित होने के बावजूद बेरोजगार टहल रहे हैं। पूरी नाम है, क्या करने आए थे यहाँ पर? अरे यहाँ भी बुलाए थे मीटिंग के लिए, मीटिंग में आना, और हम लोग मीटिंग में आए 3 घंटे हो गए, 3 घंटे से हम लोग कोई काम भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। क्या बोला गया था? राशन कार्ड गरीबी रेखा का बनने का, पेंशन बनेगी 1 महीने, वो 500 रुपए मिलेंगे कह रहे थे, आवाज़ क्या और क्या कानूनी मिलेगी, कुछ तो हुआ नहीं है यहाँ पे, बस खाली बैठे हैं कुर्सी पे लिए। उस दफे भी यही हाल हुआ था, उस दफे भी यही बूढ़े ने, बूढ़े ने और गुड़िया ने। आज यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश में जो मुस्लिम महिला है, जो तलाक पीड़ित है, उनके साथ पति ने तलाक किया है, तो उनकी समस्याओं को सुनने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में जो है एक मोर्चा प्रभारी बनाई है, डॉक्टर नाजिया आलम जी। उनको ये कहा था कि आप प्रदेश में जाके उन पीड़ित महिलाओं का डाटा एकत्र करें और सरकार को दें, ताकि उन पीड़ित महिलाओं को हम लोग न्याय दे सकें। सर, आप ये यहाँ पर जो महिलाएं आई हुई हैं, इनका ये कहना है कि घंटों के हिसाब से यहाँ पर बैठी हुई हैं, और इनको जो जिसलिए बुलाया गया कि मकान आपको दिया जाएगा, आपके राशन कार्ड बनाए जाएंगे। मेरी बात सुनिए, ये आप तो कोई ऐसा महिला कह दे कि हमको घंटों के हिसाब से बैठा हुई हैं, ऐसा कहीं कुछ मतलब बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं, इसमें कोई कहने का फायदा नहीं है। मैं बता दूँ आपको कि हम लोग ने, भारतीय जनता पार्टी ने ये जरूर जो महिलाओं की समस्याएँ हैं, चाहे मकान की समस्या हो, चाहे सीवर की समस्या हो, चाहे राशन कार्ड की समस्या हो, जो भी समस्या हो, हम लोग ने कहा था वो समस्याएं आप हम लोग को नोट करा दीजिए, हम उन समस्याओं को आपका समाधान कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी हैं, हमारा दायित्व बनता है कि अपनी
सभी परिवार की मुस्लिम महिलाओं का भी हम जो समस्याएं हैं उनको हम समाधान कराएं और उनके समाधान के लिए हम उनसे बात करें। जो समस्याएं आपकी होंगी अच्छा आप नोट करा दीजिएगा, उसका समाधान भी पार्टी लेवल पे हम लोग करेंगे। अभी तक हमारे समय बैठाने के लिए बुलाया है क्या कोई और सभी सम्मानित मौजूद हैं? सम्मानित पे बैठे हुए सभी अधिकारी मौजूद है समाधान? नहीं नहीं, ऐसा है कि हम लोग हमारे लोग जो भी समस्याएं आएंगी उनके अपने संगठन की मार्फत से उन विभागों के अधिकारियों को सौंपेंगे कि भैया ये समस्याएं यहाँ पे हैं, इसको समस्याओं को आप यहाँ पे ठीक कीजिए। हमारे ये था कि हमारी 300 महिलाएं कम से कम आएंगी और 300 महिलाएं से ज़्यादा यहाँ आ चुकी हैं और जो भी महिलाएं आई हैं इसमें तलाक पीड़िता भी काफ़ी हैं और तलाक पीड़िता जो महिलाएं होंगी वे हमारे पास अपना नाम पता नोट कराएंगी। हाँ, डॉक्टर नाजिया जी, मेरा उनसे संपर्क सुबह से या कल से परसों से लगातार हो रहा है और वे सुबह लखनऊ में थी और मुझे बोली मैं कानपुर में बैठ रही हूँ, किसी कारणवश वे लेट हो गई और लगभग 12:30 बजे 1 बजे के आसपास वहाँ से चली हैं लखनऊ से और उसके बाद उनकी गाड़ी कुछ ख़राब हो गई या कोई प्रॉब्लम हो गई, उनका फ़ोन भी इस समय संपर्क नहीं हो पा रहा है और अभी हो सकता है वे आएंगी क्योंकि उनको कल भी हमारे कार्यक्रम में रहना है, बिल्लौर में एक कार्यक्रम लगा हुआ है उनको वहाँ रहना है, वो कानपुर में प्रवास भी करेंगी, कानपुर में रुकेंगे भी, हो सकता है कि कार्यक्रम के बाद वे हमको आके यहाँ मिले। क्या किसी महिलाओं को क्या प्रलोभन देकर बुलाया गया कि कानून? नहीं नहीं, ऐसा देखिए ऐसा नहीं है हमारा, हम बताएं हम प्रलोभन किसी को नहीं देते। हमारा जो पार्टी का कहना है कि हमारे जो योजनाएँ हैं सरकार की पार्टी की उन योजनाओं का लाभ हमारी कोई भी लाभार्थी अगर चाहती है, आवेदन करती है, समस्या है तो उसको सुना जाएगा और उस समस्याओं को सुन के हम उसको समाधान कराने की कोशिश करें। जहाँ पे आप खड़े पे जिस मैदान में खड़े उस मैदान के पीछे कुछ महिलाएं बवाल कर रही है इसी चीज को लेकर कि आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, कोई महिला बवाल नहीं कर रही, ये आपका कहना है हम नहीं। तीन तलाक के मामले अभी तक देखा जाए यहाँ पे कितने मामले आपके पास आए हैं अभी तक? तीन तलाक के देखिए ऐसा है हम बता दें आपको, तीन तलाक के कम से कम 10 मामले मेरे पास आ चुके हैं, उनका पूरा नंबर, मकान नंबर, उनका फ़ोन नंबर, उनका मोबाइल नंबर मेरे पास मौजूद है। हमें डाटा अभी हमें डाटा देखिए, हमने तीन तलाक के मामले में खाली अभी शुरुआत ही की है और शुरुआत जहाँ तक होगी हमारी तो जो महिलाएं पीड़ित होंगी वही आएंगी, जो पीड़ित नहीं होंगी नहीं आएंगी। हमें किसी को जबरदस्ती तो कहना नहीं भैया तीन तलाक आप पीड़ित करो, आपको पीड़ित हो आपको आप नाम नोट कराओ, जो पीड़ित महिलाएं होंगी वही आएंगी और जो बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो डर रही हैं, शर्म कर रही हैं कि हमारे शौहर के साथ हमको रहना है तो उनका हम नाकाम नहीं कर सकते, उनकी समस्याओं को समाधान करने की हम कोशिश। आज तीन तलाक पे सबकी सुनवाई होगी, जिनकी सुनवाई नहीं हो रही उनके ऊपर भी सुनवाई होगी और बहुत सारे ऐसे हैं कि हस्बैंड मारते हैं, घर से निकाल देते हैं, उस तरह की भी समस्या होगी, जिनको जॉब की परेशानी है वो भी होगी, जो वकील नहीं कर पाते उनके लिए हम एक कमेटी बना रहे हैं वकील की फ्री ऑफ कॉस्ट, मेरे वकील जो होंगे वो एक संस्था मैं चलाने जा रही हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट इन लोगों का केस भी दर्ज करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा? हाँ, मैं खुद दूंगी, मैं प्लेसमेंट का पहले काम देखती थी, मैं IDBI बैंक में मैनेजर रह चुकी हूँ और मैं IBM से पढ़ के आई हूँ, MBA किया हुआ है, मेरा पेंडिंग PhD चल रही है तो मैं इन सब चीज़ों को जानती हूँ, कहाँ से जॉब मिल सकती है, किन से कॉन्टेक्ट कर सकती हूँ, तो मैं आसानी से 10-15